पता है दोस्तों, आज रात का सपना जो देखा ना, मेरे परदादा के परदादा सपने में आए थे और बोल रहे थे कि नर्क में जगह नहीं है, मैं दीवार पे बैठी हूँ। उदास मत होना मेरी राजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सामने ही नहीं सही, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। पलकों को बंद कर कर जब भी तुम अपने दिल में देखोगे, मैं ना हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। आई मिस यू मेरी बाबू। अरे ओ सब्जी वाले, कभी टाइट के लिए भी रख लिया करो। अरे ओ मैडम, आप भी थोड़ा खाने के लिए भी ले लिया करो। सुनो 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 भाइयों बहन सुनो, इस मंत्र को किसी भी चौराहे पर खड़े होकर बोलने से आपको बहुत सारा ढेर सारा पैसा मिलेगा। No! मिलेंगे तो चलो हम बताते हैं। रे 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 बाबा, कुछ भगवान के नाम पे दे दे। रे 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 बाबा, कुछ भगवान के नाम पे दे दे। पागल खाने में बहुत सारे पागल रो रहे थे। एक पागल चुपचाप सोया हुआ था। डॉक्टर ने पूछा, तुम क्यों शांति से सोए हो? तो वो क्या पागल बोला, बेवकूफ बेवकूफ, मैं मर चुका हूँ, इसलिए तो सब रो रहे हैं। फिर क्या डॉक्टर, सुनो यारो, एक बात बताने जा रही हूँ। सैलरी बढ़ाने का बोलो तो बोलते हैं, तुम काम ही क्या करते हो जो सैलरी मैं बढ़ाऊंगी। और छुट्टी का बोलूं तो बोलते हैं कि तुम्हारा काम कौन करेगा, हद है यार। भाई लोग, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हंसाने की मेरी फुल गारंटी है आप सबको। खबरदार, कोई ज्ञान नहीं बांटेगा, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। अगर बांटना ही है तो चाय बांटो और ब्रेड बांटो। हाँ, वाला स्टेटस लगाया था, सोचा सब फैमिली मतलब रिश्तेदार या कोई भी फोन कर पूछेगा कि क्या हुआ, क्यों दुखी हो। और यहाँ पे तो मैसेज में पता है क्या आने लगा, सेंड मी सेंड मी सेंड मी। ओह नो, करू रे बाबा, दुनिया बहुत दुखी है। मैंने पायल है छनकाई, फिर क्यों तू आया ना हर जाई। अरे यार कैसे आऊं, तू 2 बजे रात को पायल छनकाएगी तो हर जाई डरेगा नहीं। नो 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 नो। सुनो 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 भाइयों, अपने बीवी का स्थान हमेशा ऊंचा रखो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो जी 2 रोटी और देना। सुनिए जी, रोटी तो खत्म हो गई। हाँ, ऐसे कैसे खत्म हो गई रोटी, मेरे खाने वक्त ही रोटी खत्म हो गई। सुनिए जी, वैसे खत्म हो गई जैसे कल मैं आपसे पैसा मांग रहे थे सूट खरीदने के लिए, तो आपके पास पैसा खत्म हो गई, इसलिए आज ना रोटी खत्म हो गई। नो 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 नो। गांव की एक लड़की तेजी से आ रही थी और दूसरी तरफ से बस आ रही थी, तो लड़की ने हाथ दिखाकर बस को रोक लिया और ड्राइवर ने बहुत जोर से ब्रेक लगाया और लड़की से पूछा, कहाँ जाना है? तो लड़की बोला,
अरे भैया जाना हमें कहीं नहीं है, मेरा बच्चा है ना भाभी का, वो रो रही है, इसलिए ना आप पोपो बजा दीजिए। नो 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 नो। वो लड़का भी आतंकवादी से कम नहीं हुआ करता था, पता है क्यों? जो मैडम क्लास में आते ही वो लड़का बोल देते थे कि मैडम, यानी वो मैडम को याद दिला देता था कि मैडम आपने टेस्ट के लिए बोला था। तुम दोस्तों मेरे पहेली का जवाब कौन कौन दोगे तो आप सब ना कमेंट में दीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। तो बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सिर्फ 100 लोग जाते हैं और मतलब वापिस 98 लोग ही आते हैं, ऐसा कौन सा जगह है? तो दोस्तों आपकी दूसरी पहेली है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अगर 100 लोग जाते हैं तो 101 लोग वापस आते हैं, बताओ। तो दोस्तों आपकी तीसरी पहेली है, उस चीज का नाम बताइए जिसे आग जला नहीं सकती और शास्त्र उसे काट नहीं सकता और पानी उसे भिगो नहीं सकती और मौत उसे मार नहीं सकती, ऐसी कौन सी चीज है बताओ। बेटा जरा मेरा चप्पल ला तो। पापा दोनों लाना है या एक ही? नहीं बेटा, पहले तो दोनों की जरूरत थी लेकिन तू अभी एक ही ला। तारीफ किए बिना कोई खुश नहीं होता और झूठ बोले बिना तारीफ नहीं होता। पता है अब तो हमारे पति भी जल्दी सुबह नहीं उठाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको उठा दिया तो वो सीधा मोबाइल में घुस जाएगी, इससे अच्छा है सोने दो। कुछ लड़कियां तो इतनी चेंज होती है कि यार पता ही नहीं चलता ये लड़की है या इच्छाधारी नागिन। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं भागकर शादी करूँ या शादी करके भागूँ, तो पता है मम्मी ने क्या बोला? फटी चप्पल से मारू नो, या चप्पल फटते तक मारू? फिर क्या दोस्त, तुम्हारा भैया चुप।